हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज है वो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2 से लेके 3 साल के एक्सपीरियंस में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ आ रखे हैं, इनसे मैं पहले रिज्यूम लेता हूँ। ओके बेटी, इनका नाम है मुकुल। कितना एक्सपीरियंस है आपको? 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का। ओके, तो जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो, तो अभी ओके तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे इंटरव्यू के पर्पज से, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो व्हाट इज द फ्रेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट क्या होता है, फ्रेबिलिटी का क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों करते हैं हम फ्रेबिलिटी को? यस सर, सर फ्रेबिलिटी में हम लोज चेक करते हैं, जो हमारी टैबलेट बनती है उसमें सर, जैसे वो मैन्युफैक्चर होती है कंपनी में, तो सर कंपनी के बाद वो एक्सपोर्ट होती है, मार्केट में जाती है, तो सर वहाँ से वो जब मार्केट में जाती है तो जिस ट्रांसपोर्ट से जाती है सर, वहाँ पे रास्ते में ब्रेकर्स वगैरह ये सब होते हैं, तो सर उसमें वहाँ पे उसको टैबलेट का कोई टैबलेट ब्रेक ना हो या उसमें जो लॉस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना एक इंजेक्शन टेस्ट होता है फ्रेबिलिटी, इसको करते हैं। ओके, जैसे कि फ्रेबिलिटी में तुम कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो टैबलेट जाती है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से होता है। लेकिन आपने कोटेड और अनकोटेड नाम सुना होगा टैबलेट का, तो उसमें देखा होगा आपने कि जो कोटेड टैबलेट है, कोटेड टैबलेट में फ्रेबिलिटी नहीं करता है कि? लेकिन जो फ्रेबिलिटी है वो तो ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन कोटेड में हम करते नहीं है। लेकिन जो कोटेड है, कोटेड ही पैक करके मार्केट में जाती है, तो इसका मतलब हम कोटेड में फ्रेबिलिटी तो करते नहीं है, तो फिर इसका ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है? सर जो हम फ्रेबिलिटी करते हैं इसको, सर हम कोटेड से पहले हमारी टैबलेट होती है कंप्रेस, सर जो हमारी ये कंप्रेस टैबलेट होती है उसके बाद क्यूब सैंपल आता है, तो सर हम कंप्रेस टैबलेट की फ्रेबिलिटी चेक करते हैं उसमें सर। उसके बाद जब वो कोटिंग के लिए जाती है, अगर अगर कंप्रेस टैबलेट में पास है उसके बाद कोटिंग के लिए जाती है, तो उसमें सर वहाँ पे जो उसका लॉस है सर, जब वो कोटिंग मशीन में घूमती है तो वहाँ पे सर उस लॉस को चेक करने के लिए कि वो 1% से ज़्यादा ना हो, कि इसको इन टैबलेट की हम कोटिंग कर सकें, तो ये चेक करने के लिए हम वो करते हैं। अगर हम जो उसके बाद उसमें कोटिंग होती है, वो सर कोटिंग तो उतरेगी नहीं, वो तो ऑलरेडी कोटेड हो चुकी है। ओके, मतलब आप कहने मतलब है कि जो कोटिंग होती है टैबलेट की, तो कोटिंग के टाइम पे भी, क्योंकि फ्रेबिलिटी की तरह जैसे भी राउंड होता है, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये चीज़। चलो ओके, अच्छा और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है उसका जो पास फेल का क्या क्राइटेरिया है, जब DT लगाते हैं तो उसका पास फेल का क्या क्राइटेरिया है? यस सर, जब हम DT लगाते हैं शुरू में, तो शुरू में 6 मार्का शुरू रहते हैं, 6 क्या 6 टैबलेट की DT लगाते हैं सर शुरू में। उसमें सर अगर हमारी एक या दो टैबलेट फेल हो जाती है, उसके बाद सर हम दोबारा DT लगाते हैं 12 टैबलेट्स की, तो सर पहले की 6 टैबलेट और बाद की जो 12 टैबलेट हैं टोटल लगा के 18 टैबलेट्स। इसमें सर 18 टैबलेट में से 16 टैबलेट्स हमारी पास होनी चाहिए, अगर 16 टैबलेट पास है तो हमारे DT जो पास होती है एक्सेप्ट करेंगे में आ जाएगा। यस सर। ओके, एक पैकेजिंग में भी क्या कभी काम किया होगा, तो पैकेजिंग में एक GSM वर्ल्ड होता है, तो GSM की क्या फुल फॉर्म होती है और कैसे क्या फॉर्मूला होता है GSM? सर GSM की फुल फॉर्म होती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, इसका फॉर्मूला होता है सर वेट ऑफ सैंपल इंटू हंड्रेड ग्राम पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय साइज ऑफ टेस्ट पीस, साइज ऑफ टेस्ट पीस जो भी तुम 10x10 या 5x5 जो भी तुम काट करेंगे उसको करते हैं। उसके बाद है हमारा कि जो बफर है, बफर जो यूजिंग बफर होते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो pH मीटर होता है, कौन कौन से बफर होते हैं, कौन कौन से pH के होते हैं? यस सर, उसमें pH बफर होता है हमारा 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45। वो कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, क्योंकि किसी को pH मतलब 2 लेनी होती है, किसी को 5 लेनी होती है, तो हम सब चीज़ रेंज को कवर करते हैं। बैलेंस कैलिब्रेशन के कुछ पैरामीटर के बारे में बताइए, बैलेंस के जो बैलेंस कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ जो पैरामीटर है कौन कौन से, क्या क्या कंसीडर करते हैं? जैसे बैलेंस का कैलिब्रेशन करते हैं, सबसे पहले सर उसमें स्पीड लेवल चेक करते हैं, स्पीड लेवल सेंटर कहाँ पे होता है, स्पीड लेवल उसका स्पीड लेवल सर सेंटर में होना चाहिए। नहीं, कहाँ पे होता है, क्या आगे होता है, कहाँ पे होता है सर ये? अगर बैलेंस है आपके पास तो बैलेंस में वो थोड़ा बताइए कि कहाँ पे होता है स्पीड लेवल। साइड में होता है सर, कॉर्नर में। ओके, साइड में कॉर्नर किसी किसी के बैक साइड में होता है, कई बार साइड में पीछे। ओके, और सर उसके बाद सर इसमें इसेंट्रिसिटी टेस्ट होता है, एक्यूरेसी टेस्ट होता है, लीनियरिटी होती है एंड रिपीटेबिलिटी होती है। ओके, रिपीटेबिलिटी भी होती है। ओके, तो इसमें से ज़्यादातर तो मैं पूछूंगा नहीं, आप मुझे बताइए कि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी की क्या लिमिट है?
सर एक्यूरेसी होती है सर हमारी नॉट मोर देन 0.1%। 0.1%। उसके बाद है हमारा कि जो बैलेंस है, बैलेंस का चैप्टर कौन सा है यूएसपी का? यूएसपी के अकॉर्डिंग सर बैलेंस 41 चैप्टर, चैप्टर नंबर 41 के अकॉर्डिंग, 41 चैप्टर नंबर 41 जिसमें भी बैलेंस के बारे में बताया गया है। ओके, और चलो दूसरा क्वेश्चन पैकेजिंग से भी पूछता हूँ कि जो सिपर होते हैं कि कौन कौन से टाइप के सिपर आते हैं आपकी कंपनी में, किस टाइप के सिपर आते हैं? सर 3 प्लाई आता है, 5 प्लाई आता है, 7 प्लाई आता है। ओके, 3 प्लाई से तो इनकी सबकी ब्रश रेजिस्टेंस भी होती होगी? यस सर, इनके सबके अलग अलग पैरामीटर। क्या है कभी ब्रश रेजिस्टेंस? क्या है, क्या 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 ब्रश रेजिस्टेंस का प्रोसीजर क्या है, क्या करता है उसमें? कितना सैंपल लेते हैं, मतलब क्या सर? हम उसमें सैंपल लेते हैं 10x10 सैंपल काटा, उसके बाद सर हमारे पास एक उसमें होता है प्रेशर गोज, उसको सर ऊपर रोटेट किया, उसके बाद सैंपल उसमें लगाया, फिर सर उसको वहाँ पे ब्रश ऑप्शन होता है पे वहाँ करेंगे तो वो उसकी ब्रशिंग दिखा देता है कि वो जैसे हमारे पास 7 प्लाई सीपर हो गया, इसकी लिमिट रहती है नॉट लेस देन 7 kg/cm², उससे कम नहीं आ रही सर। ओके, सेंटीमीटर वो क्यों करते हैं ब्रश रेजिस्टेंस क्यों पड़ती है वैसे? ब्रशिंग सेंसर जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास हमने उनके अंदर टैबलेट या जो भी है पैक कर लिया, उसके बाद सर उस वो कहते हैं मैक्सिमम कितना लोड झेल सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उस सीपर की कैपेसिटी क्या है। जो कोटेड टैबलेट है या फिर अनकोटेड टैबलेट है, इनकी डीटी का क्या टाइम है? इनकी सर डीटी जो कोटेड है या अनकोटेड टैबलेट है, जैसे सपोज कोटेड टैबलेट है तो कोटेड टैबलेट की, कोटेड टैबलेट की सर डीटी रहती है नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो अनकोटेड होती है नॉट मोर देन 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ओके, अच्छा, और डीजो भी लगाया होगा आपने कभी के? तो जो डीजो में आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग जो पैडल है, या मतलब ये समझे आपकी जो फर्स्ट और सेकंड जो एपरेटर जिसे बोलते हैं एपरेटर फर्स्ट और सेकंड, किसमें क्या है, मतलब आईपी में कौन सा फर्स्ट है और यूएसपी में फर्स्ट सेकंड कौन सा है? यूएसपी में सर, यूएसपी के अकॉर्डिंग सर एपरेटर फर्स्ट पैडल होता है एंड एपरेटर टू बास्केट। USB के अकॉर्डिंग जो पेडल है वो apparatus first, apparatus first, और जो पेडल है वो बास्केट, apparatus second। USB के अकॉर्डिंग, USB के अकॉर्डिंग नहीं, फिर से USB के अकॉर्डिंग नहीं सर, USB के अकॉर्डिंग जो टाइप फर्स्ट है वो बास्केट है और टाइप सेकेंड पेडल है, एंड IP में सर इसका अपोजिट हो जाता है, IP में टाइप फर्स्ट पेडल आ जाता है और टाइप सेकेंड बास्केट, बास्केट हो जाता है। ओके, ड्यूरेशन और डी टी, ड्यूरेशन और डी टी में क्या डिफरेंट है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि क्या होता है सर? जो हमारी डी टी होती है, डी टी में सर हम टैबलेट, जो हमारी टैबलेट होती है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें सर हम और जो डी टी होता है उसमें सर हम ड्रग रिलीज चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में ड्रग रिलीज चेक करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज नहीं, डिफरेंट डिफरेंट में भी कर सकते हो, या तो फिर आपका अगर इमीडिएट रिलीज है तो उसका एक फिक्स टाइम होता है 40 मिनट या 30 मिनट। ओके, अच्छा, ये जो ये कभी डिजिटेशन में क्राइटेरिया देखा S1, S2, S3 क्या होता है, मतलब कितना कितना होता है, 25 किस्में होता है, 25 किस्में होता है, 15 किस्में होता है और 5 किस्में होता है, तो क्या इसके बारे में कुछ पता है? बट सर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब अभी जरूरत नहीं पड़ा, क्या ये चीज़ें तभी होती है जब अगर टैबलेट फेल होती है, कम आता है तभी जाके। चलो वैसे मैं बता देता हूँ कि आपने 6 टैबलेट लिया है, तो 6 टैबलेट में जो आपका क्राइटेरिया है अभी यहाँ पर, हाँ अगर अभी यूएसपी में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि वो +5%, यानी आपका क्राइटेरिया जो 80% का है तो +5 यानी 85, सभी टैबलेट 85 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एवरेज भी और सिंगल, क्योंकि अगर सिंगल ज़्यादा जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या ज़्यादा जाएगी, ठीक है, इन केस अगर कोई कम आ भी जाता है तो फिर हम S2 कंडीशन में जाते हैं, और S2 कंडीशन भी होती है 15, ठीक है, मतलब Q-50। अब जो पहले था वो 85 था, लेकिन अब क्या है, अब जो Q है, Q कितना हो गया 70, 80, पहले क्यू +5 था, 85 लिमिट होता है, अब हमने कहा कि क्यू -15, तो क्यू जो है, क्यू आपका कौन सा है, 80 है, इस चीज पे बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि मतलब 85 से -15, 85 से -15 नहीं करना है, क्यू जो क्यू है, क्यू मतलब आपकी 80 है, 80 माइनस करना है आपको 50, तो ठीक है, ऐसे करके फिर अगर उस कंडीशन में भी आपको कोई फेल होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, S3 कंडीशन, उसके लिए क्या है, क्यू -25%, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, और ऐसे आप बस देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अच्छा के बाद में फ़ोन कर देगा आपको, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू।